हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्वीन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो मैं अभी आपके लिए लेटेस्ट जो है करंट एनर्जी लेके आई हूँ, जो डीएम और डीएफ दोनों की होगी। पहले तो मैं बात करूँगी और डीएफ की। बहुत ज़्यादा थकावट होने के बावजूद भी और डीएफ को थोड़ी सी नींद जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आई होंगी। अगर वो सोई भी है तो इतना डीप नहीं सो पा रही होंगी और सुबह भी उन्हें इतना ज़्यादा फ्रेश नहीं फील हो रहा होगा। फ़िलहाल ये जर्नी के बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच रही है, मगर थोड़ी सी नाम से हुई है, थोड़ी सी उन्हें मतलब मैंने कल भी कहा था कि कंफ्यूज मोड में चल रहे, क्योंकि अभी जो पोर्टल गया है और ये जो एनर्जी चल रही है बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है। तो सबके जो प्रॉब्लम्स है, जो भी उनके कोर में है, वो सारे सरफेस होंगे। तो अभी फ़िलहाल ये आपके साथ भी सेम थिंग हो रही है और शायद उनकी हेड भी थोड़ी सी हैवी हो रही होगी और हेड पेन भी हो रहा होगा 101%। अचानक से उनकी हेड पेन जो है आज हो सकती है, अभी नहीं हुई होगी तो थोड़ी देर के बाद ज़रूर स्टार्ट होगी, क्योंकि ये आज की एनर्जी है और ये सबसे रेजोनेट करेगी। अगर ना करी तो भी इट्स ओके, ये आज नहीं तो आपके साथ कल तो होगा ही होगा। तो एनीवेज़ अभी डीएफ जो है फ़िलहाल एकदम ज़्यादा डिटैच मोड में चल रही है, उनको इतना ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हो रहा है और फ़िलहाल वो इतनी जर्नी के बारे में इतना टेंशन भी नहीं ले रहे। टेंशन इन द सेंस ये जो होगा सो देखा जाएगा, ऐसे काइंड ऑफ वो मोड पर है फ़िलहाल और वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा बैलेंस होने की कोशिश कर रही है। इनर वर्क पे थोड़ा सा ध्यान दे रही है, थोड़ी सी इनर वर्क से ज़्यादा वो अपने आप पे सोचने की कोशिश कर रही है, अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट में आ रही है और बहुत ज़्यादा मतलब अपना जो सोल पर्पज़ है क्या नहीं, इन फ्यूचर क्या होगा, इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा डीप वो महसूस कर रही है, सोच रही है क्या होगा भी। ऐसे बहुत ज़्यादा बैलेंस फील कर रही है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि शांत है नॉल वगैरह। यस, बहुत डिस्टर्ब है, अंदर बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, मगर नॉर्मल लाइफ में वो आने की कोशिश कर रही है तो इट्स वेरी गुड। अपना धीरे ऐसे ही अगर वो रही तो अपने आप को बिल्कुल ये जो फेस चल रहा है उससे बाहर निकल आएंगी और ज़्यादा करीब अपने जर्नी की तरफ वो बढ़ेंगी। अभी रही डीएम की बात कहूँ तो डीएम बिल्कुल इसके अपोजिट उनके साथ रिएक्शन हो रहा है। वो बिल्कुल भी मतलब डीएम के बगैर बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे, उन्हें लग रहा है कि पता नहीं है मतलब क्या हो रहा है। पहले तो उन्हें इतना ऐसा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब से डीएम ने अपनी एनर्जी जो है बिल्कुल हर तरीके से फिर से रिटर्न ली है, तब से डीएम जो है बहुत ज़्यादा थोड़े से डिसबैलेंस हो रहे हैं। वो अपने आप को बहुत लोनली फील कर रहे हैं, जैसे उन्हें पता नहीं चल रहा है कि क्यों ये हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन सा महसूस हो रहा है। वो उन्हें आपके बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ना चाहते हुए भी वो डीएफ को बार बार याद कर रहे हैं और उन्हें कोई ऐसे मिसिंग से एनर्जी महसूस हो रही होगी। मतलब डीएम इतने ज़्यादा मिसिंग मोड पे चले गए हैं कि अगर कोई हैप्पी कपल भी देखते हैं तो बहुत और ज़्यादा दुखी हो जाता है। और उन्हें जो डीएफ के साथ जो भी उनके टाइम उन्होंने स्पेंड करा है, जो भी उन्होंने जो भी बातें हुई है बबल फेस पे, जो भी हुआ है उन्हें वो याद कर करके और ज़्यादा डीएफ को मतलब याद कर रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट इनके लिए अभी इस फ़िलहाल सेपरेशन मोड जो है जस्ट स्टार्ट हुआ है और उन्हें वो बहुत अभी से ही पेनफुल लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे भी वो उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो भी है वो सरफेस पे आ जाएंगे और वो भी उनसे उभर जाएंगे। आपको सिर्फ उन्हें सपोर्ट करना है कि ज़्यादा उन्हें इरिटेट ना करे और कांटेक्ट करने की कोशिश करे और समथिंग। वैसे भी डीएफ इतनी ज़्यादा बैलेंस्ड है कि मुझे नहीं लगता कि वो अपने आप अभी खुद से ऐसे कुछ करेंगी। तो भी कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि हम डीएम की भी जो है एनर्जी कैच कर लेते हैं और फिर यू नो कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो डीएम को फ़िलहाल थोड़ी सी स्पेस दे कि ताकि अभी उनकी वो जर्नी जो है वो जो स्टार्ट हुई है वो उनका मतलब अच्छे से जो भी है वो फेस करे जो आपने किया अब तक के। और वो चाहे कितनी भी कोशिश करो अपने माइंड डाइवर्ट करने की, मगर वो नहीं कर पा रहे और डीएम को पूरी तरीके से मिस कर रहे हैं। तो इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है।
तो डीएफ को मैं यही एडवाइस करूंगी कि जो भी उनका इनर वर्क फिलहाल वो जो कर रही है वो कीजिए, और नेगेटिव सोच से बचिए, कोई भी नेगेटिव थॉट ना लाइए। और इरिटेट हो सकते हो तो मेरे ख्याल से नाराज़गी भी हो जाएगी, तो आप डीएम के लिए तो बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना, क्योंकि एनर्जी इतनी क्या होता है, सेंसिटिव है कि एक दूसरे के आप एनर्जी जो है पास करते हो ना, तो उन्हें वो एनर्जी पास हो जाएगी नेगेटिव वाली। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी मेरी करंट एनर्जी, आई होप आपसे रेजोनेट करी होगी, 101% करेगी, और ये टाइमलेस है। तो अगर ये वीडियो आपको पॉपअप हुई है तो आज का ये जो रिमाइंड मैसेज है ये आपके लिए है। तो चलिए मैं जल्दी अपने एक नई वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।